मुस्तफा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे किसी भी हालत में उन लोगों को ये बाई इलेक्शन जिताना है। इतना तो मैं समझता हूँ अब्बा। तो फिर ये क्यों नहीं समझता कि तेरे अब्बा को तेरी जरूरत है? मुस्तफा, मैं तेरे सिवा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। इस दंगे फसाद में मेरी जान भी जा सकती है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुस्तफा अपने अब्बा से सौदेबाजी करेगा? अब्बा से नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो बैठे हैं उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने ही कहा था इस धंधे में जज्बात की कोई कीमत नहीं। तू नहीं मांगता तो भी मिल जाता। बोल क्या चाहिए? दीक्षित की नौकरी, बच्चे के लिए एडमिशन, बच्चे की शादी के लिए पैसे, इस परिवार की हिफाजत, बस और कुछ नहीं। बड़ा जज्बाती हो गए मुस्तफा, जब से देख रहा हूं परिवार की बात कर रहा है। मिल जाएगा, लेकिन काम पूरा होने के बाद। अब्बा का हर लफ्ज़ आंखों पर, काम हो गया समझो, चाहे मुस्तफा की जान क्यों न चली जाए। अरे मरे तेरे दुश्मन। सरकार अब्बा को पैसे दे रही है, ऑपोजिशन हमें पैसे खिला रही है, अपनी तो पांचों उंगलियां घी में है और सर जलती हुई कड़ाई में होगा, क्योंकि अब्बा का कमांडर गुलाम मुस्तफा है। अपोजिशन की हार या जीत से मुझे कोई वास्ता नहीं, मुझे मेरे बेटे के खून का बदला लेना है। इस इलेक्शन के धांधली में मुस्तफा को खत्म करना है, मेरा एक ही मकसद है, मेरे बेटे के माथे पर गुलाम मुस्तफा के खून का टीका लगाना। मुन्नी, यह तुम्हारी चूड़ी जो अम्मा ने गिरवी रखी थी। और ये कुछ यादें हैं, अपनी शादी में जरूर पहन लेना। जिस शादी के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी भैया। मुझे भी ऐसी इंजीनियरिंग की सीट नहीं चाहिए उस्ताद। मुस्तफा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुस्तफा, जिस बुराई के रास्ते को तुम छोड़ चुके हो, दोबारा हम तुम्हें वहां जाने नहीं देंगे। तेरा शुक्र है खुदा, मैं तो लावारिस था, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी लाश लावारिस नहीं होगी। कोई तो है मेरे जनाजे को कंधा देने वाला। जी, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बेटा। अम्मा, अल्लाह ने मुझे मेरे लिए आंसू बहाने वाला घर दिया है, हर पल मैं इसे खुश देखना चाहता हूं। मुझे तो जाना ही होगा, जाने से पहले तेरे हाथ की एक कॉफी मिल सकती है। दयानंद, ये वादा है, तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी। विक्रम, तुम्हारी एडमिशन पक्की समझो, दिल लगा के पढ़ाई करना, मुन्नी की शादी में कोई कमी नहीं होगी। बोलो मालकिन, मालकिन। मुस्तफा, शुक्रिया। मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई? कभी तो अपने दिमाग से काम कर सुदामा, हमेशा मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई? इस घर को तुम्हारी जरूरत है, इस घर की हिफाजत और शादी का इंतजाम तुम्हारी जिम्मेदारी।
मुस्तफा भाई, मुझे आंधी आने की आहट सुनाई दे रही है। आंधी नहीं आएगी सुनामा। हाँ, थोड़ी हवा जरूर तेज होगी, कुछ धूल उड़ेगी, कुछ सूखे पत्ते गिरेंगे, बिखरेंगे इधर उधर, पर जो पेड़ मजबूत है उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत उस हवा के झोंके में नहीं होगी। फिक्र मत करो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सलाम मुस्तफा। सलाम अलैकुम मुस्तफा भाई। हाँ बोल। मुस्तफा भाई, अपोजिशन वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं कि राम प्रसाद चौधरी को ही वोट दो। वापस जाओ, दोबारा उसी पब्लिक को धमका उकसा, बोलो राम प्रसाद चौधरी को ही वोट दो, नहीं तो काट डालेंगे। पर मुस्तफा भाई, अपना कैंडिडेट तो डॉक्टर सुरेश अधिकारी है। जो बोला है वो करना। चलो भाई लोग, चलो। एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, अंदर वोट सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को ही देना, वरना सबको काट डालूंगा। अंदर सिर्फ वोट राम प्रसाद चौधरी को ही पड़ना चाहिए। तुम लोग भी सुन लो मैडम, अंदर वोट सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को ही देना। राम प्रसाद चौधरी का वोट देनी है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मुस्तफा? क्या तुम्हारे आदमी पब्लिक को धमका रहे कि अपोजिशन वाले को वोट दो? अब्बा मुझे अपने तरीके से काम करने दो। आप आम खाइए, पेड़ क्यों गिन रहे हैं? भरोसा रखिए, घर में जाके सो जाइए, पब्लिक समझदार है। चलो, ठप्पा सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को लगना चाहिए, समझे? क्यों जबरदस्ती है क्या? ए, तू ता नहीं करने का, बोला ना। ठप्पा सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को लगना चाहिए, समझे? चलो दूसरी तरफ देखते हैं। अरे ओ भाई लोग, वोट तुम लोग किसको देने जा रहे हो भाई? वोट किसी को बताकर थोड़ा ना दिया जाता है, जिसको दिल में होगा देंगे, कोई जबरदस्ती है क्या? वोट सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को ही देना, वरना दिल निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? वोट सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को ही पड़ना चाहिए, वरना एक एक को काट डालूंगा, समझे? चलो भाई लोग। अजीब दादागिरी, राम प्रसाद चौधरी तो डरा के वोट मांगता है, इससे अच्छा तो सुरेश अधिकारी है, कम से कम हाथ जोड़ के तो वोट मांगता है। चलो उसी को वोट देते हैं। तूने किसको वोट दिया? सुरेश अधिकारी को वोट दिया। राम प्रसाद चौधरी को क्यों नहीं दिया? अरे तू क्या समझता है हम डर गए क्या? अरे यार, यहाँ तो उल्टा हो गया सब। अरे साहब आगे चलो। ये सब अपने ऑपोजिशन वालों को वोट दे रहे हैं। भगाओ सबको, मारो सालों को। अंदर जाकर अपने उम्मीदवार के निशान पर ठप्पा लगाना शुरू कर दो। जाओ। जी भैया। ये क्या कर रहे हैं आप? आजाओ, चलो भागे। हटाओ सबको, कोई बचने न पाए। हटाओ सबको, हटाओ। मुस्तफा, oh shit!
मजलूम लोगों पर जुल्म कर रहा है। अगर ताकत है तो अपने कैंडिडेट को जिता के दिखा। मुस्तफा भाई, अंदर रोहन जबरदस्ती अपने कैंडिडेट के ऊपर ठप्पे मार रहा है। ठप्पे कैसे लगाने हैं मैं सिखाता हूं तेरे को। जाओ अंदर ठप्पे लगाओ। चलो अंदर। Oh!